आजादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैफिक कार्यालय और थाना राजघाट पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने ध्वजारोहण किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश राष्ट्रध्वज को सलामी दिया। उन्होंने कहा कि जो महापुरुष इस देश को बनाने में महायोगदान दिए, उनसे प्रेरणा लेकर अपने देश को और मजबूत बनाए, यह संदेश सभी जवानों को दिया गया। इसी उपलक्ष्य में थाना राजघाट पर झंडारोहण किया गया। वहां के पुलिस और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया गया। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नागरिकों के सहयोग से मिलकर मजबूत बनाए। इस अवसर पर थाना प्रभारी संजय मिश्रा, वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय गुप्ता सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कार्य करना होगा, चाहे कोई कहीं भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी विभाग में हो, देश के प्रति सभी की सच्ची निष्ठा और सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। अगर हम भारतीय सेनाओं की बात करें तो भारतीय सेना है जहाँ देश की विदेशी शक्तियों से, बाहरी शक्तियों से रक्षा करती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण देश की, प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है, जिसका आप सब लोग अभिन्न अंग है। स्वतंत्रता दिवस पर आज पूरा देश हमारे राष्ट्रध्वज के लिए सलामी दे रहा है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सब जगह सभी विभागों में आ रहे हैं। पुलिस विभाग में आज मेरे द्वारा यातायात कार्यालय पर झंडारोहण किया गया। सभी कर्मचारियों के लिए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई और हमारे महापुरुष जिन्होंने इस देश को बनाने में, आज़ाद कराने में योगदान दिया, उनसे प्रेरणा लेकर हम अपने देश को और मजबूत बनाएं, इस तरह का संदेश सभी जवानों को दिया गया। इसी क्रम में मेरे द्वारा आज थाना राजघाट पर भी झंडारोहण किया गया। वहाँ के सभी कर्मियों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए उनके योगदान पर चर्चा की और सभी का उत्साहवर्धन किया कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नागरिकों को सहयोग से मिलकर मजबूत बनाएं, ताकि हमारा देश, प्रदेश, गोरखपुर जनपद की पुलिस एक अनुकरणीय नाम उत्तर प्रदेश पुलिस में स्थापित कर सके। थैंक यू।